है जंगल में भटकने का काम। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो गाइज, मैं अपनी बहन के घर आई हूँ यहाँ होली में। अब आप सोच रहे होंगे कि होली कहाँ पड़ाई है, ये पड़ता है भरमौर में, जो कि हमारे चंबा से कहीं मान लो आप 70-80 किलोमीटर है भोलेनाथ की नगरी। तो मैं बस वही होली में आई हूँ अपनी बहन के घर। तो आज ये चुड़ैल मुझे लेके जा रही है लकड़ियाँ करने के लिए। तो आज हम सब लोग जो है 3-4 लोग लकड़ियाँ करने के लिए जा रहे हैं। तो आज के इस ब्लॉग में आप देखेंगे कहाँ हम जाते हैं, कैसे कैसे हम लकड़ियाँ करते हैं, क्या हमारे पूरे दिन का रूटीन रहता है। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलो गाइस, दिखाते हैं आपको आज का ब्लॉग और दिखाते हैं कि हम कैसे करते हैं आज लकड़ियाँ और क्या क्या मस्ती सब कुछ। तो चलो ले चलते हैं आपको। तो गाइस देख सकते हैं बाकी की हमारी टीम ये है जो कि सब लकड़ी करने के लिए जा रहे हैं। और नीलू डान दी बलि सजी धजी बनी कर चले सारे लकड़ी करने जो। तो चलो आपको ले चलते हैं, बस आप लोग ब्लॉग में बने रहना। ओके, तो दोस्तों यहाँ से शुरू हो चुका है हमारा रास्ता। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ के नेचर का। यार जितनी तारीफ करूँ मैं उतनी ही कम है। और ये आप देख सकते हैं सेब के बगीचे भी है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। यहाँ से होके हमें जाना है अपने जंगल की तरफ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, जंगल में हम पहुँचने वाले हैं लगभग। और यहाँ पर घर भी है और आर पार पहाड़ी इसकी शोभा बढ़ा रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस लग रहा है ये। और इससे आगे आप देख सकते हैं इन लोगों को लग पड़ी है भाई प्यास, ये लग पड़े हैं पानी पीने। और इसके आगे हमें अभी तक रास्ता तय करना, देख सकते हैं हमें अभी बहुत दूर जाना है। और आप मेरा पूरा रास्ता देखेंगे कैसे हम लोग जाते हैं। प्लीज़ ब्लॉग में बने रहना है ना, स्किप मत करना वीडियो दोस्तों। अब चलो आगे की ओर चलते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं पहाड़ कितने ब्यूटीफुल है और फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों। तो अब हम शुरू करेंगे अपनी लकड़ियाँ करना। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमें लकड़ियाँ करनी है। और ये देखो सभी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी लकड़ी उठाने लग पड़े हैं। और पता नहीं अब किस पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा हमें लकड़ियाँ काटने के लिए। बाकी आप देख सकते हैं हम सभी साथ में, आधी टीम हमारे पीछे है, बिल्कुल जंगल भरा रास्ता है। एक्चुअली यहाँ पर भालू का डर भी रहता है, तो इनको ये डर है कि यहाँ भालू वगैरह ना हो, इसलिए सभी मिलजुल कर ही रहते। तो चलो आपको दिखाते हैं कि कैसे हम पेड़ पर चढ़ेंगे, कैसे लकड़ी करेंगे। तो चलो बने रहना आप हमारे साथ। आपने देखा किस तरह से हमने लकड़ियाँ की सब कुछ। और अभी हम लकड़ी लेके वापस जा रहे हैं। बाकी की टीम में आप देख सकते हैं ये पीछे है और कुछ लड़कियाँ नीचे हैं। तो अब हम घर को चल पड़े हैं। सो गाइज मेरा ब्लॉग यहीं तक था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको हम पहाड़ी का स्ट्रगल कैसा लगता है। अभी हमें वैसे जहाँ से आए थे उधर ही जाना है बहुत दूर, बट फिलहाल मैं अपना ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। क्योंकि ये देखो मेन था मेरा आपको दिखाना कि हम लकड़ियाँ कैसे करते हैं, जो कि आपने देख लिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।